नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए बहुत ही सिंपल और टेस्टी, सबको बहुत पसंद आती है ब्रेकफास्ट में ये। तो आज हम लेके आए हैं आलू पराठे की रेसिपी ढाबा स्टाइल। बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाएंगे और खाने में उतनी टेस्टी लगेंगे। तो देखते हैं आलू के पराठे किस तरह बनते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अब तक नहीं किया है तो। मेरी वीडियो को लाइक पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना। चलो चलते हैं आलू के पराठे बनाने। आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने ये 2 कटोरी गेहूँ का आटा ले लिया है। इसमें मैं डाल देती हूँ नमक एक टेस्ट के अनुसार। और अब बना लगा लूँगी मैं इसका सॉफ्ट सा एक डो। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेती हूँ, क्योंकि जो हम भरे में पराठे बनाते हैं उनके लिए सॉफ्ट डो ही अच्छा रहता है, नहीं तो पराठे फटने का डर रहता है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए और इसका मैं सॉफ्ट सा एक अच्छा सा डो लगा लूँगी। ज़्यादा हार्ड डो नहीं लगाना है, सॉफ्ट साइड डो लगाना है। तो अब इसका डो हमारा लग के समथिंग तैयार हो गया है। तो थोड़ा सा सेट कर देते हैं और इसे अब रख देते हैं सेट करने के लिए। रख के ये मैंने उगले हुए आलू ले लिया और इनको मैंने छील भी लिया अच्छे से। तो अब इनको हम अच्छी तरह हाथ की सहायता मैसर सहायता मैश कर लेते हैं। तो मैंने इन्हें मैश करने के लिए एक मैसर ले लिया है और मैसर की सहायता से सबको अच्छे से मैश कर लेंगे। इनमें कोई गांठ या कुछ मतलब रह नहीं जाए, मोटा नहीं रह जाए। सबको अच्छे से एकदम स्मूथ सा डो बनाएंगे हम, मतलब पिक्की बना लेंगे आलू की। तो इनको सबको मैं अच्छे से मैश कर लेती हूँ। और आलू के पराठे बहुत ही सब मतलब मोस्टली सबको पसंद आते हैं, बच्चे बड़े कोई भी हो, आलू के पराठे सबको बहुत पसंद आते हैं। तो ब्रेकफास्ट में या सबके यहाँ घर में बनते हैं। तो अब इसे इस तरह से मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। तो अब हमारे मैश हो गए आलू, अब इसमें हम डाल देते हैं मसाले। तो मैं सबसे पहले डालूंगी हम हरी मिर्च, मैंने 2-3 हरी मिर्च काट के रख ली थी तो उनको डाल देती हूँ। और फिर डाल देते हैं इसमें हम धनिया पत्ता, और हरी मिर्च और धनिया पत्ता बहुत अच्छा लगता है आलू के पराठे में। तो मैं दोनों चीज़ को इसमें डाल देती हूँ। और इसमें डाल दिया मैंने हरा धनिया मतलब धनिया पाउडर और नमक टेस्ट के अनुसार। और इसमें अब डाल देती हूँ लाल मिर्च पाउडर। अब इन सब मसालों को मैं अच्छे से मिला लूँगी। और थोड़ी सी इसमें डाली है मैंने 1 पिंच के करीब हींग, क्योंकि हींग से आलू के पराठे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो हींग डालना बहुत ज़रूरी है। तो इन सबको मैं अच्छे से मसालों को पिट्ठी में मिला लेती हूँ हाथ की सहायता से। आप स्पून से मिला सकते हो, लेकिन हाथ से अच्छी तरह मसाले सब अच्छे से मिल जाएंगे। मैंने सब मसालों को हाथ से मिला लिया है और हमारी पिट्ठी बन के हो गई है तैयार। अब हम बनाएंगे आलू के पराठे। तो हमारा जो आटा हमने रखा था वो भी समथिंग सेट हो गया, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो अब आटा हमारा सेट हो गया है। अब इसमें हमने परोथन के लिए थोड़ा सा आटा ले लिया है। अब हम आटे की तोड़ के एक लोई सी बना लेंगे, पेड़ा बना के इसको अच्छे से बेल लेंगे। थोड़ा सा आटा इसके ऊपर सूखा लगा के, आप घी भी लगा सकते हो, लेकिन सूखा आटा लगा के आप अच्छे से बना सकते हो। तो हम सूखा आटा लगा लेंगे और इसको बेल के अब इसके ऊपर हम जो हमने पिट्ठी बना के रखी थी उसको इसके ऊपर स्पून की सहायता से रख देंगे। आप कम ज़्यादा रख सकते हो, तो मैंने 2 चम्मच रखी है। और इसको हम अच्छे से उठाते हुए इस तरह से भानते हुए एकदम बंद कर लेंगे इसको। फिर इसको ऊपर से पकड़ के बंद करके और इसको फिर से हम दबाते हुए थोड़ा सा आटा डाल के इसको फिर से हम बेल लेंगे। बहुत हल्के हाथ से बेलना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, क्योंकि इसे फटने का डर रहेगा। तो बहुत ही हल्के हाथ से इसे हम अब बेल लेंगे हल्के, और इसके कोनों को बेलते हुए जो अगर बीच में ज़्यादा प्रेशर ना दें, कोने मोटे नहीं होने चाहिए, पराठे खाने में कच्चे रह जाते हैं, इसलिए कोन नहीं हुआ। और इसको हम अब तवा रख दिया था हमने, अब इसे हम तवे पे सेक देते हैं अच्छे से। एक तरफ सेक गया, इसे हम पलट देते हैं। अब इसमें हम लगा लेंगे, जब हम दूसरा पराठा भी तैयार कर लेते हैं उस पर लगाएंगे हम ऑयल। ऑयल आप घी जो भी यूज़ करते हो आप वो लगा सकते हो। तो हमने दूसरा पराठा बेल के तैयार कर लिया और इस पर लगा देते हैं हम अब घी, ऑयल जो भी आप यूज़ करो। मैंने ऑयल मतलब रिफाइंड ऑयल लगाया है। तो इसको हम इस लगा देते हैं और पलट के दूसरी साइड भी इस पर ऑयल लगा देते हैं और इसे दबाते हुए अच्छे से सेक लेंगे प्रेस करते हुए। दोनों साइड पे घी लगा के इसे प्रेस करते हुए अच्छे से सेक लेंगे हम। अब हमारा ये पराठा बनके हुआ है तैयार और देखो कितना अच्छा लग रहा है, फटा भी नहीं है, खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो अब इसको हम निकाल लेंगे और इस तरह दूसरा पराठा जो बेल के रखा था उसे इस पर डाल देते हैं। और जब हम एक और पराठा बना के कर लेते हैं तैयार, तो इसको भी हम इसी तरह से बेल के पिट्ठी भर के तैयार कर लेंगे।
इसको मैं आपको एक नई तरीके से बना के दिखाती हूँ। वो मैंने आपको दो एक तरह से बना के दिखाए थे, इसको मैं एक नई तरीके से बना के रखती हूँ। एक बिल्कुल गोल रोटी बना ले रही हूँ और इसके एक कोने पे रख लेनी है पिट्ठी, और इसको हम फोल्ड करते हुए एक समोसे का आकार दे देंगे। तो हमने जहाँ से इसे काटा है वहाँ से इस तरह फोल्ड करेंगे, मगर हम और फिर इसे मतलब पिट्ठी आप दोनों साइड भी रख सकते हो। मैंने एक साइड रखी थी, फिर मैंने सोचा दोनों साइड रख देती हूँ, थोड़ा ज़्यादा उसमें मसाला आ जाएगा तो खाने में और टेस्टी लगेगा, इसलिए मैंने दोनों साइड रख दिया है। और इसे फोल्ड कर देती हूँ मैं, इस पर ऑयल लगा के दोनों तरफ से, और फिर से हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से। अच्छे से इसे फोल्ड कर देना है, फिर उधर जिधर पिट्ठी द्वारा रखी थी उधर फोल्ड करना है इसे ऐसे ही, और इसके कोने को अच्छे से हाथ की सहायता दबाते हुए चलना है नीचे की तरफ, वहाँ से पिट्ठी निकल ना जाए, तो इसलिए दबाते हुए चलना है और ऊपर से उठा के इसे दबाते हुए इसे भी ऐसे कर लेंगे। और फिर हाथ से इसे हल्के हाथ से दबा देना है और इसे फिर बेल देना हल्के हाथ से। देखो बन गया ना समोसे का आकार, तो इस तरह से आपको बना लेना है। फिर इसे थोड़ा सा आटा डाल के सूखा इसको, इसको फिर हल्के हाथ से ही बेलना है, मतलब इस पर प्रेशर नहीं डालना है क्योंकि इसमें मसाला बहुत ज़्यादा भरा है हमने। मैंने आपको बताया ना पहले मैं फर्स्ट एक साइड भरा, मैंने दूसरी साइड भी भर दिया क्योंकि मसाला इसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो मसाला इसमें बहुत ज़्यादा भरा हुआ है हमने। तो इसे इस तरह से बनाते हुए बेल लेंगे, हल्के हाथ से बेलना है, प्रेशर नहीं देना है, फटने का बहुत डर है इस पराठे को। और खाने में बहुत लगता है, बनाना भी इसे बहुत आसान है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो अभी हमारा पराठा बन के हो गया तैयार, और इसे डाल देते हैं तवे पे। देखो हमारा भी दूसरा पराठा है, ये भी सबके मोस्टली तैयार हो गया है। हमने घी लगा दिया था, तो ये पराठा भी इनके हो गया तैयार। इसको भी निकाल देते हैं अब हम, और जो मैंने अभी बनाया था उसको भी तवे पे डाल देते हैं, और इसको भी हम सेक लेंगे और इसको पलट देते हैं अब हम, और इसको हम ऑयल लगा देते हैं इसके ऊपर, और इसे भी प्रेस करते हुए दोनों साइड ऑयल लगा के सेक लेंगे। खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, तो आप इस तरह से पराठे आलू के ज़रूर ट्राई करना, ढाबे पे आप खाते होंगे तो ऐसा ही बिल्कुल टेस्ट आएगा। तो अभी हमारे पराठा बन के हो गए तैयार, और उसको भी हम निकाल लेते हैं। अब चलते हैं सर्विंग के लिए। तो हमने करा दिए पराठे, हमने अब सर्व कर दिए, और देखो कितने अच्छे लगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरी रेसिपी पसंद आती है, तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो में लाती रहूँगी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।